हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉजिकल एडवाइस में। मैं हूं सुमित और आज हम यहां पे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ASUS ZenFone 6 की, जो यहां पे आ रहा है यहां पे फ्लिप कैमरा के साथ। तो यहां पे ASUS ने यहां पे बहुत बढ़िया नया कॉन्सेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस किया है यहां पे फ्लिप कैमरा। दोस्तों, इस स्मार्टफोन को यहां पे हम इस बॉक्स से निकालेंगे अभी और अनबॉक्स करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमको टेलीग्राम पे भी यहां पे फॉलो करो। सो दोस्तों, यहां पे मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूं। कुछ इस प्रकार ये स्मार्टफोन का बॉक्स है। सो जैसे हम यहाँ पे इस बॉक्स को यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमको यहाँ पे स्मार्टफोन इस पॉकेट के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल दिया गया है और यहाँ पे हमको केस भी दिया गया है स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। पीवीसी प्लास्टिक का बना हुआ है और यहाँ पे कुछ ब्राउचर्स हमको मिल जाते हैं। और बॉक्स कंटेंट में इसके अलावा यहाँ पे हमारा आ गया मेन जो स्मार्टफोन है वो, और यहाँ पे शायद हमको चार्जर, हेडफोन्स और यहाँ पे सी टाइप का यूएसबी केबल दिया गया है चार्जिंग के लिए। हेडफोन्स भी यहाँ पे दिए गए 3.5 mm जैक के साथ, तो काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों। इस प्राइस रेंज में देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक टर्बो चार्जर दिया गया है ASUS की तरफ से। फास्ट चार्जिंग को ये यहाँ पे सपोर्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे स्मार्टफोन में और क्या क्या है। अभी हमारे स्मार्टफोन को देखते हैं हम। यहाँ पे मैं फ़ोन को बूट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमको मिल जाता है ZenFone की ब्रांडिंग, ऑल द फीचर्स, 5000 mAh की बैटरी, फ्लिप कैमरा कॉन्सेप्ट, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फटाफट मैं स्मार्टफोन को यहाँ पे बूट कर लेता हूँ, फिर मैं देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो जैसे हम यहाँ पे कवर निकालते हैं हमको यहाँ पे एक बढ़िया सी स्क्रीन मिल जाती है 6.7 inch की, 6.3 inch की। यहाँ पे काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है, 6.4 inch की यहाँ पे स्क्रीन है। सो मैंने यहाँ पे फ़ोन को अभी बूट किया है। बॉटम में मेरे ख्याल से यहाँ पे 3.5 mm का जैक है, यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट है और यहाँ पे लाउड स्पीकर दिए गए स्टीरियो के। और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल से हम यहाँ पे देखते तो हमको यहाँ पे सिम ट्रे मिल जाता है, जिसमें हमको यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है मेमोरी कार्ड के लिए। और यहाँ पे ड्यूल सिम यहाँ पे हम इसके अंदर डाल सकते हैं, सिम के साथ यहाँ पे मेमोरी कार्ड में हम डाल सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर के साइड में हमारा जो फ्लिप कैमरा है वो है। यहाँ पे हमको एक ASUS की तरफ से एक स्मार्ट की दी गई है, जिससे हम यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेट फंक्शंस के लिए उस की को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। सो फटाफट मैं यहाँ पे फ़ोन को सेटअप कर लेता हूँ। जिसे फ़ोन सेटअप हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे 83% का हमको यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिल जाता है। सो और यहाँ पे स्क्रीन की बात करें तो हमको यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। देख सकते हैं बैक साइड में हमको यहाँ पे मिल जाती है ASUS की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर, और जो बॉडी वो यहाँ पे मेटेलिक बॉडी है। देख सकते हैं आप ASUS की ब्रांडिंग जो यहाँ पे शाइन कर रही है। और ऊपर में हमारा जो यहाँ पे फ्लिप कैमरा दिया गया है दोस्तों, ये कैमरा है 48 megapixel का। यहाँ पे सोनी के साथ यहाँ पे फ्लैगशिप में कैमरा है 48 megapixel का मेन कैमरा, उसके साथ 18 megapixel का अल्ट्रा वाइड सेंसर। और यहाँ पे फ्लैशलाइट भी दी गई, यहाँ पे एक लेज़र सेंसर भी दिया गया है दोस्तों फोटो डिटेक्शन के लिए। और ये जो है यहाँ पे फ्रंट में कोई भी कैमरा नहीं है। सो जैसे हम फ्रंट कैमरा को ओपन करेंगे सो यहाँ पे जो बैक कैमरा है वही फ्लिप होकर फ्रंट कैमरा बन जाएगा स्मार्टफोन का। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन की जो और कलर क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी यहाँ पे इनोवेटिव सा यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे लेके आ गया है ASUS। और इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों एंड्रॉयड पाई पे वर्क कर रहा है। और फिलहाल इसके अंदर यहाँ पे ZenFone UI 6 को यहाँ पे पैचअप किया गया है एंड्रॉयड पाई के साथ। तो देखने में दोस्तों स्मार्टफोन काफ़ी यहाँ पे क्लासिक और यूनिक सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लिप कैमरा है उसके वजह से यहाँ पे फ्रंट में कुछ भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं है, फुल्ली यहाँ पे डिस्प्ले और यहाँ पे नैरो बेजल्स भी दिए गए।
यहाँ पे एंड्रॉयड पाई का एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमको, काफ़ी यहाँ पे स्मूथ और एक्टिवली फोन यहाँ पे वर्क कर रहा है विदाउट एनी लैगिंग और डिले, काफ़ी यहाँ पे एक्टिवली स्मार्टफोन वर्क कर रहा है दोस्तों। इसके अंदर यहाँ पे आता है यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 855 चिपसेट और यहाँ पे एंड्रेनो का 655 GPU और ये स्मार्टफोन यहाँ पे दो वेरिएंट में आता है, यहाँ पे एक 8GB वेरिएंट और यहाँ पे 6GB वेरिएंट। देख सकते हैं आप डिस्प्ले की क्लैरिटी, यहाँ पे 88% का यहाँ पे बॉडी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होने के कारण यहाँ पे स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे फुल व्यूविंग एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है इस स्मार्टफोन के अंदर, कलर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों स्क्रीन की। ये सैमसंग के स्क्रीन्स की तरह नज़र आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है इसके अंदर। फ्लैगशिप में स्मार्टफोन बनाया गया है दोस्तों, फ्लैगशिप के अंदर स्मार्टफोन को बनाया गया है और देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे कैमरा की बात करें तो हमारा जो बैक कैमरा है वही हमारा फ्रंट कैमरा भी बन जाता है, जैसे हम उसको ओपन करेंगे यहाँ पे वो HDR मोड भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट की गई है HDR मोड के कारण, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक होती है। हम यहाँ पे डेप्थ सेंसर होने के कारण हम यहाँ पे बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे डेप्थ सेंसर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत सारे यूनिक से फीचर डाल दिए गए दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर, देख सकते हैं आप यहाँ पे। काफी बढ़िया स्मार्टफोन यहाँ पे कैमरा की वजह से स्मार्टफोन यहाँ पे काफी उभर के आ रहा है। तो बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों इस कैमरे के अंदर अलग अलग तरह के, HDR मोड एंड ऑल दैट, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए यहाँ पे ASUS की तरफ से, पैनोरामा मोड भी यहाँ पे दिया गया है। काफी बढ़िया स्मार्टफोन है दोस्तों, यहाँ पे हम कैमरा की क्वालिटी भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे नए नए फीचर स्मार्टफोन के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए, काफ़ी बढ़िया फीचर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए स्मार्टफोन में कैमरा के, देख सकते हैं यहाँ पे आप रेयर कैमरा की क्वालिटी, काफ़ी यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे कैप्चर हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी डिटेल से यहाँ पे कैप्चर्स हो रहे हैं। सो कलर कैमरा का कलर कैप्चरिंग भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी यहाँ पे डिटेल में कलर यहाँ पे नेचुरल कलर यहाँ पे कैप्चर कर रहा है नेचुरल सनलाइट से कैमरा। सो दोस्तों इस फोन में जो मेन फीचर जो है वही कैमरा ही है, देख सकते हैं अभी फ्लिप कैमरा हमने अभी ट्राई किया है, जैसे हम यहाँ पे फ्रंट कैमरा को ओपन करते हैं यहाँ पे जो बैक कैमरा है वही फ्लिप होकर फ्रंट कैमरा बन जाता है, यहाँ पे काफ़ी फीचर्स यहाँ पे दिए गए दोस्तों कैमरा के। अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो हमको यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, काफ़ी हाई क्वालिटी की इमेजेस कैमरा कैप्चर कर रहा है, अल्ट्रा HD इमेजेस देख सकते हैं आप यहाँ पे, बैकग्राउंड को भी यहाँ पे ब्लर हो रहा है क्योंकि ड्यूअल कैमरा है, डेप्थ सेंसर के कारण यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लर हो रहा है। सो काफ़ी बढ़िया है दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन हमको मिल रहा है, इसकी नियर अबाउट प्राइस यहाँ पे 33,000 या 32,000 होगी। बैक साइड में हमको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, हम यहाँ पे फ्रंट कैमरा को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बट वो थोड़ा डिले करता है दोस्तों स्मार्टफोन ओपन होने में लॉक होने में। जिससे हम यहाँ पे बैक कैमरा को क्लिक करते ये जो फ्लिप कैमरा है ऑटोमेटिकली बैक जाने की कोशिश करता है, काफी यहाँ पे प्रीमियम सा यहाँ पे डिजाइन यहाँ पे ASUS की तरफ से आया है जैसे स्मार्टफोन का कैमरा
क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का हमको मेन कैमरा मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। देख सकते हैं हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर को भी यूज़ कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए, और यहाँ पे अनलॉक होने का टाइम काफ़ी, टच रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पे टच करते ही स्मार्टफोन अनलॉक हो जा रहा है, माइक्रो सेकेंड में यहाँ पे स्मार्टफोन अनलॉक हो रहा है विदाउट एनी डिले। देख सकते हैं हम यहाँ पे फ्रंट कैमरा को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे बैक कैमरा को अनलॉक करने के लिए। यहाँ पे कवर हम लगा के देखते हैं, कवर लगाने के बाद ये स्मार्टफोन काफी बल्कि सा फील होता है दोस्तों। इस प्राइस रेंज के अंदर यहाँ पे स्मार्टफोन का वेट थोड़ा ज्यादा है, नियर अबाउट 250 ग्राम्स का स्मार्टफोन है। सो दोस्तों देख ही सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फीचर्स स्मार्टफोन के हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और ये स्मार्टफोन यहाँ पे बजट स्मार्टफोन है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे 32,000 में आपको यहाँ पे काफ़ी फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि वहीं पर मैं यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।